न्यूज फुट खबर भरोसे की। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव को देने जा रहे हैं जोर का झटका। नमस्कार, न्यूजवुड की खास पेशकश में आप देख रहे हैं सियासत का अखाड़ा और मैं हूं नई दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ साकिब जकरिया। कहना गलत ना होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सियासत के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और अखाड़ा में विरोधियों को कैसे करना है चित या बाखूबी जानते हैं, इसलिए इस लैला का यूपी में मजनू कोई बनने को नहीं है तैयार। भागीदारी संकल्प मोर्चा में बिखराव के बाद अब ओवैसी नया गठबंधन के सहारे विरोधियों को एक बार फिर देने जा रहे हैं तगड़ा झटका। ओवैसी सियासत के एक मजे हुए नेता हैं, उन्हें मालूम है कि यूपी में अकेले मुस्लिम वोटों से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए यूपी में नया दांव खेलने के लिए ओवैसी हैं तैयार। अखिलेश और मायावती से कोई बात नहीं बनने के बाद उन्होंने पिछड़ा वर्ग जातियों की नुमाइंदगी करने वाले दलों को साथ लेना बेहतर समझा है, लेकिन अब भागीदारी संकल्प मोर्चा बिखर गया तो ओवैसी के सामने यूपी में चुनाव लड़ने की चुनौती है। कांग्रेस भी अन्य राज्यों के तजुर्बे के देखते हुए यूपी में ओवैसी से गठबंधन करने की गलती नहीं दोहराना चाहती। असदुद्दीन ओवैसी अभी भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव के संपर्क में हैं। उन्हें लगता है कि शिवपाल की एसपी से बात नहीं बनी तो दोनों साथ आकर नया गुल खिला सकते हैं, लेकिन अभी भी खबर आ रही है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है और ऐसा माना जा रहा है शिवपाल यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी में हो सकता है विलय। असदुद्दीन ओवैसी 101 सीटों को पहले से ही चिन्हित कर रखा है जहां वो खुद अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में समझते हैं, लेकिन अन्य दलों के ऐसे नेताओं से भी नजदीकियां बनाकर रखी गई है जिन्हें उनके दल से टिकट ना मिलने पर साथ लाया जा सकता है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपना टारगेट यूपी बना लिया था। 403 विधानसभा सीटें, करीब 18% मुस्लिम आबादी और मुस्लिम वोटों के जरिए ही राज्य की दो प्रमुख पार्टियां एसपी और बीएसपी को मिलती राजनीतिक ताकत ओवैसी को लगातार आकर्षित कर रही है। वैसे तो उनकी पार्टी 2017 में कुछ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई नोटिस नहीं लिया था, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से बाहर भी मुस्लिम चेहरा बनकर उभरे और अब उनसे यूपी में उलटफेर की उम्मीद लगाई जाने लगी है। राज्य के छोटे छोटे दलों को ओवैसी में नए किस्म का आकर्षण दिखा है और यही ओवैसी अब विरोधियों को सियासी रण में चुनौती देने के लिए है तैयार। इतना तो तय है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी दिखा सकते हैं अपना दमखम। इतना तो तय है कि अगर यूपी में इस बार मुस्लिम वोटों के सहारे ओवैसी का जादू चला तो यूपी का नया किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं सांसद असदुद्दीन ओवैसी। खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूजवुड खबर भरोसे की। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए न्यूजवुड की ओर। फिलवक्त के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी केयरफुल। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूजवुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड खबर भरोसे की।